आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। फर्रुखाबाद में सांसद के अध्यक्षता में मेला श्रीराम नगरिया के आयोजन को लेकर बैठक हुई, जिसमें मेला सचिव नगर मजिस्ट्रेट ने आयोजन को लेकर पूरा प्रदोरिया, तो वहीं सांसद मुकेश राजपूत ने कहा कि जिला प्रशासन को शिथिलता छोड़कर सक्रियता से कार्य करना पड़ेगा। बैठक में डीएम, एसपी, सांसद, विधायक, बीजेपी जिलाध्यक्ष समेत साधु संत और अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान एसपी ने बताया कि मेले को अपराध रहित रखने और साधु संतों को समस्या न हो, इसके लिए खास इंतजाम रहेंगे। ये मेला सरकारीकरण हो इसका, और सरकार से इसे जो भी संबंधित हो अनुदान मिले। हम लोग चाहते हैं कि फर्रुखाबाद जनपद का जो रामनगरिया मेला है, एक महीना के कल्पवास, यहाँ पूरे देश के लोग आते हैं और एक महीना यहाँ रुक के कल्पवास करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कल जितने भी कल्पवासी आते हैं उन्हें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ मिलें, और जितने भी दुकानदार भी बाहर से आते हैं, दूसरे जनपदों में आते हैं, उन दुकानदारों को भी अच्छी सी सुविधाएं। संज्ञान में कोई मेला, कोई नाला गंगा में गिर रहा है, अभी तक तो जो हमारे पोल्यूशन के अधिकारी हैं उनसे जो मेरी बातचीत हुई है, ऐसा कोई मेरे संज्ञान में नहीं। ऐसा होगा तो मैं देख करके फिर उसको। सर, भीषण सर्दी पड़ती है, अलाव वगैरह के लिए के कोई व्यवस्था नहीं बताई गई है कि अलाव क्या रहेंगे, क्योंकि सर्दी होती है। अलाव की व्यवस्था रहेगी, नहीं उसमें कोई बताया। कानपुर में जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशक अहमदाबाद की टीम ने इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घरों से 196 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की। इस मामले में पीयूष जैन को 496 करोड़ रुपए टैक्स की नोटिस दी गई थी, तो वहीं डीजीआई के अधिकारियों ने स्पेशल जीएम की कोर्ट में यह जानकारी साझा की। इस मामले में अब 21 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। इत्र कारोबारी पीयूष कुमार जैन के मामले में न्यायालय श्रीमान विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कानपुर नगर में कल सुनवाई हुई। उसमें अभियोजन पक्ष की तरफ से चार गवाह प्रस्तुत करे गए थे। डीजीजीआई अहमदाबाद से श्री शंभुनाथ सिंह, डीआरआई से श्री संतोष तिवारी एसआईओ, श्री बद्रीश राय आईओ, इंटेलिजेंस ऑफिसर इमरान। लखीमपुर खीरी में हुए तिकुनिया कांड के मुख्य गवाह प्रभुजोत सिंह के छोटे भाई सर्वजीत सिंह पर एक मुंडन समारोह के दौरान जानलेवा हमला हो गया, तो वहीं प्रभुजोत ने आरोप लगाया कि तिकुनिया कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के सारे पर मेरे भाई पर जानलेवा हमला किया गया। पूरा मामला लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कोतवाली क्षेत्र का है, तो वहीं घायल सर्वजीत को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फंसाने की कोशिश किया जा रहा है, एक दोबारा अभी पहले भी एक कांड हो चुका है तो पता है, उसमें मेरे भाई को फंसाया जा रहा था, तो उसमें भी बहुत मुश्किल, ऊपर से सब करवा करो के हम लोगों ने तो बाया बना, तो आज भी वही बचार हुई। जब आप बोला जा रहा है, प्रशासन से पूछा जा रहा है, तो बोले हम दबाव में हैं। प्रशासन का कहना एक ही चीज़ है कि हम दबाव में हैं, हम मुकदमा नहीं। तो मैंने अभी तहरीर दी नहीं। सुल्तानपुर में दो महीनों से गायब चल रहे पुलिस इंस्पेक्टर निशु तोमर पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित कर दिया है, तो वहीं सुल्तानपुर पुलिस ने लापता इंस्पेक्टर के पैतृक आवास सहित जगह जगह पोस्टर चिपकाना शुरू कर दिया है। पुलिस इंस्पेक्टर निशु तोमर वर्तमान समय में श्रावस्ती जिले में तैनात हैं। सुल्तानपुर तैनाती के दौरान इंस्पेक्टर पर महिला सिपाही ने रेप का आरोप लगाया था, जिसके बाद से निशु तोमर लापता है। पंजीकृत हुआ था कोतवाली नगर सुल्तानपुर में, इसमें 376 आईपीसी का था और इसमें वांछित अभियुक्त था, जिसके वर्तमान में फरार चल रहा है, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर महोदय द्वारा 25,000 का इनाम घोषित किया गया है, इसी के संबंध में पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। कासगंज के गंज ढूंढवारा में एएसपी जितेंद्र कुमार दुबे की अध्यक्षता में थाना दिवस आयोजन किया गया। इस दौरान एएसपी ने आई हुई समस्याओं को मौके पर ही निस्तारण किया, साथ ही उन्होंने आगामी निकाय चुनाव को लेकर विभागीय अधिकारियों से व्यवस्था करने के निर्देश दिए, तो वहीं क्षेत्रीय लोगों को भी पुलिस प्रशासन से सामंजस्य बनाए और अफवाहों पर गौर न करने की सलाह दी।
औरैया में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक प्रेमी युगल जोड़ी ने एक साथ मिलकर फांसी के फंदे पर लटक कर मौत को गले लगा लिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, तो वहीं युवती नाबालिग बताई जा रही है। इसके साथ ही दोनों परिवार के लोगों से पूछताछ की गई है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सबीर पता चलो कि यहाँ मतलब है नहीं घर पे, तो जो राजेंद्र मेरे घर पे आए, बोले कि बॉबी कहाँ, तो हमने बॉबी पता नहीं 3 बजे गायब है। थाना विजुला अंतर्गत अभी 1 घंटे पहले सूचना मिली है कि एक प्रेमी युगल ने जो है आत्महत्या कर ली है, तो घटनास्थल का निरीक्षण थाना फोर्स आ गई थी, सीओ साहब आ गए, मैंने खुद घटना का निरीक्षण कर लिया है। दोनों एक ही कास्ट के दोनों लड़का और लड़की हैं, लड़की नाबालिग है, और आपस में प्रेम करते थे, सुसाइड नोट भी लिखा है इन्होंने, आपस में हाथ बांध लिया था कि हमें अलग न किया जाए। अब परिवार से पूछताछ मनी करके आए कि परिवार को जानकारी नहीं थी, और संभवतः वो अगल बगल के रहने वाले थे, तो इसीलिए इन्होंने सुसाइड कर लिया। हरदोई के पिहानी इलाके में अज्ञात वाहन की टक्कर से 3 लोगों की मौत हो गई। बता दें, तीनों राजमिस्त्री का कार्य करने के लिए जहानी खेड़ा गए थे, जहां से वापस आते वक्त हादसे में तीनों की दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।